आप डॉक्टर्स को पूछो या किसी जो फिजिकल फिटनेस वाले इंसान है उनसे पूछो, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अभी आते ही सबसे पहले जो लोगों ने अटैक किया है वो किया है ओझड़ी पे। ऊपर रोगन देख रहे हो भाई साहब इसका, ये देखो भाई यार माहौल है यार, मतलब अब तो ओ भाई साहब ये तो खेल गया भाई। फ्रेश नहीं हो रहा है कोई, यहाँ निमटा ही कौन उतरे मारे है। हाँ कब्जी हो रही हो कहीं भी हो रही हो, इन्हें एक बार खाओ सुबह पहले आराम से ताना पता पड़े जैसे कि कहीं फ्रेश हो रहे हो और कहीं नहीं हो रहे। थोड़ा सा 100 ग्राम डाले हो और अब देख ले तुम्हारे सामने कहीं तेल आ रही है, इन्हें केवल चुस्त हो, ये चुस्ता रहता है। ये होता है वो चुस्ता बकरे का मेन जो दोस्तों जो बिहार में आपने बहुत देखा होगा, इसमें बिहार में तो चर्बी डाल देते हैं लिटरली। अगर नॉनवेज खाना पसंद करते हो तो एक बार ये चीज जरूर ट्राई करना। ओजड़ी एक ऐसी चीज है कि आदमी के लीवर को परफेक्टली ओके रखती है। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल, आज हम आ चुके हैं गुड्डू बना जी के पास एक बार फिर से। बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि गुड्डू बना किस तरह से ओझड़ी बनाते हैं, मटन की ओझड़ी बनाते हैं। तो अभी हम हैं इनके काट पे जहाँ पर काट लगती है, और यहाँ से अभी चलते हैं इनके प्लॉट पे। ओझड़ी वगैरह का है थोड़ा सा आइटम ऐसा होता है कि इसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, है ना, तो इसकी सफाई करना वगैरह ये सारी चीजें वहीं पे करते हैं इनके प्लॉट पे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इनके प्लॉट पे चलते हैं, वहाँ पर आपको मैं इसकी पूरी मेकिंग दिखाता हूँ किस तरह से ये पूरा इसको कटिंग वगैरह करते हैं बनाते हैं, और उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे और उसको टेस्ट करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें तुरंत और एंड तक बने रहें, मजा आएगा। ओझड़ी साफ की है अभी, अच्छा 2 से 2.5 घंटे लग चुके मुझे। अब ये साफ हुई है, अब इसकी कटिंग करूंगा। कितनी ओझड़ी है ये? होगी 3 या 4 किलो करीब होगी। अच्छा दिखाना एक बार थोड़ा, ये ओझड़ी की फीस है। अच्छा इसको काट के इनको बारीकी से साफ किया जाता है। लोग अलग अलग बकरों की लेके आते हो? हाँ जी, एक की नहीं है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं अतड़ी। अतड़ी, हाँ अपना मनुष्य आदमी के भी यहाँ की हुए और जानवरों के भी यहाँ की हुए खाने की अगर अतड़ी। ओके, और ये चर्बी है? अभी एक दिखाता हूँ आपको सर, ये अतड़ियाँ हैं। इसी में 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा साफ करने में? साफ करने में। इसको कहते हैं 7 फेर। 7 फेर, हाँ। अच्छा। इसके अंदर क्या है, 7 पड़त है ये। ओके। 1, 2, 3, 4, अच्छा 5, 6 और ये 7। ठीक है, इसको सातवा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, सतवा भी कह देते हैं। ये बकरी का आइटम ही है, इन्हें कहते हैं चुस्तो। ये चुस्ता रहता है? हाँ, ये होता है वो चुस्ता, बकरे का मेन जो चीज़ है। दोस्तों जो बिहार में आपने बहुत देखा होगा, इसमें बिहार में तो चर्बी डाल देते हैं उल्टा करके, और ये चुस्ता है जो, ये है वो चुस्ता। अपने जयपुर में भी वो आज पहली बार आपको दिखा रहे हैं, है वे चुस्ता। ठीक है, तो चुस्ते भी लेके आते हो आप? खरीद सारे सारी चीजें जो एक साथ आवे है ओझड़ी के, बस सारी चीजें लेनी पड़े माने। ठीक है, क्योंकि बिका बिना बैठ कौन पावे। ओके, और ये क्या रहता है? ओ फेर है। अच्छा ये फेर, हाँ आपने तो ये ढंग से साफ नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं साफ हो गया, ये तो गांठे हैं। अच्छा मसों की गांठे हैं, ये इसमें डरती है। अच्छा ये है फेर। चलिए बहुत बढ़िया, ये देखो। तो इसको लोग बाग आपके मतलब बहुत चाव से खाते हैं? बहुत चाव से खाते हैं, खत्म हो जाती है तो कहते हैं यार भैया फोन किया था रखी क्यों नहीं। अच्छा लेकिन क्या करें, ये चीजें मिलती कम है। सही बात है, जो चुस्ता जो मैंने आपको दिखाया था, हाँ ये उसी की चर्बी है, ये उसी के साथ में आती है, इसमें टच होके आती है। इसको अलग करके, चर्बी को अलग और इसको अलग करके साफ करना पड़ता है। ठीक है, ये सब चर्बी है, मतलब चर्बी भी डलती है, हाँ, फ्लेवर तो उसी से आता है। हाँ जी, चलिए तो अब इसकी कटिंग शुरू करोगे आप? अब इसकी कटिंग शुरू कर रहा हूँ सर मैं। तो इसमें तो आपको बहुत टाइम लगता होगा? हाँ सर, आधा पौन घंटा लग जाता है इसको कटिंग करने के में। अच्छी खासी मेहनत लग जाती है इसमें? हाँ सर, दो से तीन घंटे मान के चलो। क्या फायदा रहता है इसको खाने से, थोड़ा ये बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर मैं तो एक ही बात की वो चाहूँ कि पेट में कोई भी खराबी हो ने, बिना एकदम साफ रखे और कोई बीमारी होने वाले। अच्छा 99% तो आया समझो कि जो जितना भी आदमी ड्रिंक करे दारू पी हुए है बांका लिया रामबाण है। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल रामबाण है, फ्रेश नहीं हो रहा है कोई, यहाँ सा निमटा ही कौन उतरे मारे है। हाँ कब्जी हो रही हो कहीं भी हो रही हो,
इन्हें एक बार खाओ सुबह पहले आराम से थाना पता पड़ जैसी कि कहीं फ्रेश हो रहे हो और कहीं नहीं हो रहे हो। एकदम दूध की जिया, ना कोई जोर ना कोई और कुछ लगाने की जरूरत, सीधो सीधो एकदम बैठो आराम से लेटिंग वेटिंग फ्रेश आ गारंटी अपनी। चलो बहुत बढ़िया। और मैं तो सबने क्योंकि अगर जो नहीं खाए है वो आपका खुद का निजी डॉक्टर है ना, पूछ लिए एक बार कि वो जड़ी काई चीज हुए भी से खापा से खाए हुए वो ही राय दे दी अगर आपका गलत। आपके कई डॉक्टर भी आते हैं कि खाने? सब डॉक्टर आते हैं, रात को भी खूब डॉक्टर आए हैं, बॉम्बे से भी डॉक्टर आ चुके हैं मेरे पास में। अच्छा, हाँ जी। तो भाई बना जी के यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं जो ओझड़ी बनने का वेट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो सर से पूछते हैं सर क्या खासियत है कुछ ओझड़ी के बारे में बताएं हमें हमारे व्यूअर्स को। मैं तो पिछले कई सालों से इनके यहाँ पे आता रहता हूँ और ये हमारे बड़े भाई हैं एक तरीके से। तो ओझड़ी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी के लीवर को परफेक्टली ओके रखती है। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये पूरा लीवर ही है, पूरा इंटेस्टाइन ही है, और इतना सुपाच्य है, इतना पचने में इजी है कि आप खाना खाओगे दो घंटे चार घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार और खानी है। अच्छा, एकदम लाइट रहता है। बिल्कुल लाइट रहता है, जबकि इसमें फैट बहुत है, मगर वो फैट आपके हीलिंग को ठीक करता है। ओके। आपके लीवर को मजबूत बनाना। मैं क्या हुआ एक दिन मैंने देखा यार अपन रोज मटन खाते हैं कभी चिकन खा लेते हैं, मैंने कहा आज ओझड़ी बना के खाते हैं। अच्छा। तो मैं घर ले गया ओझड़ी को, घर ले जाके और बाथरूम के अंदर बैठ गया। मिसेस आई जी आज क्या कर रहे हो? मैंने यार आज कोई स्पेशल चीज़ है वो बना रहा हूँ। 5 मिनट तक तो मेरे को उन्होंने कुछ नहीं कहा, 5 मिनट बाद में जो उसने बदबू मारी। अच्छा। बोले अभी इसको ले जाओ यहाँ से, अभी इसको फेंक दो। गेट बंद कर दिया और मेरे को फिनाइल वगैरह तेजाब वगैरह सरफ वगैरह ला के दे दी। जब तक मत उठना बोले जब तक यहाँ से एक बदबू भी नहीं जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, उस दिन बनाई उस दिन खाई, लेकिन उसके दिन के बाद में मेरे को कसम ही दे दी, बोले घर मत लेके आ जाना इसको कि यहाँ बनाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, और आज वही चीज मैं लोगों को खिला रहा हूँ, लोग बाग भी बहुत खुश हैं, मेरे को भी बड़ा आनंद आता है। गैस स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो भाई जो कटिंग होने के बाद सारा आइटम इसमें आ चुका है, अब प्याज डलेगा इसमें। अच्छा, ऐसे ही? हाँ जी, ठीक है। तो गैस वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो ये बड़ा भगुना मैंने लगा दिया डेगची इसमें बनाएंगे। अब इसमें ये मैं वापस पलटी करूँगा सर। गया जल्दी बनेगा इससे थोड़ा। ये देखो सारी चीज़ें जो ओझड़ी की थी वो सब आ गए यहाँ पे। मैं जी कच्चा तेल पक जाएगा? हाँ जी एकदम परफेक्ट। ये ऑयल डाल दिया अपने सरसों का तेल थोड़ा सा है बस। अभी इसमें लाल मिर्ची डालेंगे। अच्छा, अभी हाथों हाथ? हाँ जी, सब कच्चा ही। बहुत खूब। ये धनिया ये भी कच्चा ही डलेगा इसमें। सही बात है। ये हल्दी डलेगी। अब इसमें सब कुछ डल चुका है, अब इसको थोड़ा सा हिला के थोड़ा पानी डाल देंगे। अच्छा, पानी बोतल दीजिए, पानी बोतल दे। ये इसको खाने के लिए सब तरस गए। देखो करार 8 बजे नंबर आओ। सही बात है। बस इसको पकने में कितना टाइम लग जाता है बन्ना जी? एक घंटा कम से कम अच्छे से गलने में। हाँ जी, क्योंकि जो ओझड़ी है ना बीमा ही टाइम लगा है, बल्कि चर्बी और भी में तो हो जाए जल्दी, ओझड़ी में टाइम है। अब वापस रखेंगे। ठीक है, साइड साइड में देख सकते हो फैट आ चुका है, क्योंकि ऑयल तो बहुत ही नाम मात्र का डाला था, है ना? हाँ जी, थोड़ा सा 100 ग्राम डाले ऑयल और अब देख ले थारे सामने कहीं तेल आ रही है। सेम मटन जी बकरा बनाया कर बिया तेल आ जा लो, पूरी पक जा लीगा ऑटोमेटिक। जितनी भी सफ़ेद जो भी चीज़ थान दिख रही है चर्बी और भी सब ऑटोमेटिक ही ऊपर आ जाली। प्याज वगैरह जैसे अपन मीट बनावा भी मावा भुंदाओ ले वहाँ सेम बोई बोई कलर हो जैसी सारो। अच्छा,
अब इसको 10-15 मिनट और लगेगी, फिर गार्लिक पेस्ट डालोगे? हाँ जी। चलिए बंद करेंगे एक बार। अभी मैं लहसुन और अदरक को पेस्ट, वो सब कुटेड हो जाए, कोई रेडीमेड हुआ नहीं, ये सब आप सुबह से लग जाते हो ना। हाँ जी, हर कोई आदमी बनाओ बोले यार आज कौन बैठी बिया कौन बैठी बिया यार थे बनाओ काई गिर रही मैं भाई, मैं तो काई गिर रू लून मिर्ची प्याज अदरक लहसुन ऐसा साफ नहीं हो जब तक मेरा मन भी गवा गुन करे, एकदम क्लीन दिखनी चाहिए जे, आपा भी खावा ग्रैग नहीं, आपा भी खावा इन्हें। आप भी तो खाते हो? हाँ हाँ, हो गया कंपलसरी, यार 10 मिनट और लगेगा इसको, 90% हो चुका है। तो भाइयों 90% तो हो चुकी है, अब क्या है बना जी थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि इनको वहाँ पे अपना जो कार्ट है वो लगाना है, तो ये क्या कर रहे हैं भगोने में शिफ्ट कर रहे हैं छोटे में, और वहाँ पे अपने जहाँ पे लगाते हैं कार्ट वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पे फिर 10 मिनट इसको वहीं चला लोगे ना। हाँ जी चल। तो भाइयों हम आ चुके हैं इनके प्लेस पे, अब इसको खोलेंगे 2 मिनट के लिए और देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। ये देखो भाई, तो ओझड़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी है, ऊपर रोगन देख रहे हो भाई साहब, इसका मतलब सारा जो फैट है इसका है ना सब सारा इस मनाली चलाओ ना एक बार इसको। ये देखो भाई यार माहौल है यार, मतलब अब तो एक्चुअली मैंने पहले कभी ट्राई किया नहीं है, आज पहली बार ट्राई करूंगा, आज आपको टेस्ट करवाएंगे, आप खुद कह देंगे देखो मान गया साहब ना जी, ये उतार बन के रेडी है, बन के रेडी है। तो दोस्तों बन के एकदम रेडी है, अब इसको 2 मिनट साइड में रख दिया है इन्होंने, अब ये रोटियों की तैयारी करते हैं और फटाफट से ट्राई करेंगे, अब गरम करके फिर कस्टमर को दूंगा। गरम है वैसे, एक मिनट भी नहीं हुआ अभी उतारे, उसके बावजूद भी मैं गर्म करूंगा। माहौल है यार, मतलब गजब है यार, मतलब मजा आ गया, मतलब आप लोगों का आशीर्वाद, जयपुर में माहौल बना रखा है आपने यार, ये चीज़ भाई जयपुर में कहीं नहीं मिलती है, आपको बता दूं मैं, तो ये चीज़ सिर्फ आपको बनाजी के पास मिलेगी, इसमें हल्की सी ग्रेवी डाली जाती है मटन। अच्छा मटन का? हाँ जी, और भी फ्लोर आ जाएगा बहुत उमदा। तो इसमें सारे कस्टमर्स ओझड़ी के हैं? ओझड़ी के। अब ये मेरा मसाला है जो कूटा हुआ जो मैं डालता हूँ हमेशा, वो इसमें भी डालता हूँ। तो भाई ओझड़ी बन के एकदम रेडी है, और ये मान लो कि सुबह से लग रहे हैं बना जी हैं। हाँ जी सुबह से, लेके आने से लेकर साफ करने को लेकर बनाने को लेकर, और अब जाके फिर हुए हैं। ये एक बाउल रहता है इनका 100 रुपीज़ का है ना? हाँ जी 100 रुपये, 100 रुपये का ये बाउल रहता है, तो देख सकते हो आप। अरे धनिया आ गया, लो जी। तो भाई देख सकते हो आप जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि मतलब मटन और चिकन बाद में ले रहे हैं लोग बाग, यहाँ पर अभी आते ही सबसे पहले जो लोगों ने अटैक किया है वो किया है ओझड़ी पे, बहुत बढ़िया है यार। अब बना जी हमारे लिए भी लगा दो यार, हम भी ट्राई कर लेते हैं। एक मिनट सर, चलो भाई साहब ये तो खेल गया भाई। भाइयों हम आ चुके हैं बना जी की काट पर, प्लेट देख लो एक बार आप, ये देखो लग रही है शानदार, ये देखो। चलो फटाफट से टेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है ना। ये देखो भाई, तो ये है ओझड़ी, आप देख सकते हो हल्का सा इसके अंदर फैट भी डालते हैं, मतलब जो चर्बी रहती है ना वो भी डलती है इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में, और फेयर वगैरह भी होते हैं सारी चीज़ें होती है। देखो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, लोग बाग बहुत अच्छे से खाते हैं इसको, बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे बना जी के पास। अभी मैंने देखा कि भाई मटन और चिकन वगैरह तो लोग बाग बाद में आए, पहले ओझड़ी मांग रहे हैं।
भाई टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रेवी एकदम मटन की जैसे लग रही है भाई, बहुत ही यूनिक टेस्ट है अगर मैं आपको बोलूं तो। बाकी मज़ा आ गया ये देखो, दोस्तों अगर आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो ना, लिटरली अगर नॉनवेज खाना पसंद करते हो तो एक बार ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, और जयपुर में आपको कहीं मिलने वाली है नहीं। तो ये बनाजी जो चीज़ दे रहे हैं ना भाई, ये देखो ये है ओझड़ी है ना। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अपन को डाउट क्या रहता है बाहर खाने में, क्या डाउट रहता है अपन को कि भाई चीज़ सफाई से तो है ना, सफाई से तो बनाई गई है कि नहीं, फ्रेश है कि नहीं। तो एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं ये, 100 रुपये का बाउल है, मज़ा आ गया भाई। कैसा लगा? बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। जो सर हैं जो बहुत टाइम से खा रहे हैं, सर क्या नाम है आपका? रिचपाल सिंह। ओझड़ी के बारे में थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को भी, हाँ। क्या माहौल है? पहले मेरा पेट इतना बड़ा था, ये खाने के बाद में एकदम डाउन हो गया, और बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हफ्ते में एक बार यूज लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप डॉक्टर्स को पूछो या किसी जो फिजिकल फिटनेस वाले इंसान हैं उनसे पूछो, ये शरीर के लिए बहुत तकड़ी पौष्टिक चीज़ है, इससे लीवर मजबूत, दूसरी बात कोई तरह की बीमारी नहीं, और वेरी फिट रहता आदमी, यह सिस्टम है साहब। तो भाइयों जिस तरह से कैसा लग रहा है? हाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, सच में शानदार लग रहा है, वेरी गुड। हाँ तो जिस तरह से अंकल जी देखो इतनी उम्र है इनकी, तो उस अकॉर्डिंग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं आपको, और मैं भी आपको लिटरली सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है ना, आप सर सुबह देखना नहीं इसका, भाई सुबह आप देखोगे ऑटोमेटिक पता चलेगा आपको, तो आप रेगुलर यहाँ आने चालू कर दोगे। अच्छा तो पेट का ये क्या सफाई का काम है, सफाई का काम है, और कितनी शानदार देखो आनंद आ रहा आपको, तो यही आना चाहिए आनंद। चलिए दोस्तों मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मैं इस मील को करता हूँ एंजॉय, और आपसे मिलता हूँ किसी और जगह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों का शेयर कर दें, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच गाइस।